जोहार, मैं डॉक्टर मिराकल टेटे आज अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग झारखंडी भाषाएं और उनका भाषा परिवार इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो झारखंड में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म, समाज के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति में ये प्रतिभा है कि वो 3 से लेकर 6 तक या उससे अधिक भी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, वे उनके जानकार होते हैं। पहली भाषा तो है हमारी देश की मातृभाषा हिंदी, जो सभी लोग जानते हैं, और दूसरी भाषा अपनी मातृभाषा, अपने जाति की भाषा, जैसे खड़िया, कुड़ुक, संथाली, हो आदि। और तीसरा है क्षेत्रीय भाषा, उस भाषा को हर व्यक्ति प्रायः जानता ही है। और इस क्षेत्रीय भाषा में या संपर्क भाषा के अंतर्गत नागपुरी, जिसे सादरी भी बोलते हैं, सादरी भाषा, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया आदि भाषाएं आती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति जिस किसी माध्यम में पढ़ा हो उस भाषा को वो जानता है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भाषा भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 4 भाषाएं ऐसी हैं कि लोग प्रायः जानते ही हैं। इसके अलावा और भी ऐसी भाषाएं हैं जो सभी लोग तो नहीं, पर बहुत लोग हैं जो जानते हैं। तो एक व्यक्ति में ये क्वालिटी है कि 3 से लेकर 6 तक या इससे अधिक तक की भाषाएं वो बोल सकता है, समझ सकता है। तो सिर्फ ये 4 भाषाएं या 5 भाषाएं ही नहीं, लेकिन झारखंड में और भी भाषाएं बोली जाती हैं बहुत ही। आप जहां कहीं भी जाएंगे तो आप सुनेंगे, जैसे भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, बांग्ला, ये भाषाएं भी आपको यहाँ वहाँ बहुत ही सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय है कि झारखंडी भाषाएं और उनका भाषा परिवार। झारखंड में बोली जाने वाली 9 भाषाएं हैं जो ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिसे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, और इसे TRL के नाम से भी संबोधन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं 9 भाषाओं के भाषा परिवारों के बारे में बात करेंगे, उनके विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड की ये जो 9 भाषाएं हैं उनको 3 अलग अलग परिवारों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है आग्नेय भाषा परिवार, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में झारखंड की 4 जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें है खड़िया, मुंडारी, हो और संथाली। तो इस भाषा परिवार में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित करने का उद्देश्य या कारण है कि इन भाषाओं में समानता होना, उच्चारण में समानता, समश्रुति शब्द और शब्द संरचना, और कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी भाषाओं में एक ही शब्दों का प्रयोग होता है। तो इनकी समानता को देखते हुए आग्नेय भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, इस परिवार के अंतर्गत झारखंडी भाषाओं में एक ही भाषा को सम्मिलित किया गया है, जो है उरांव जनजातियों की भाषा कुड़ुक। कुड़ुक भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और इस भाषा परिवार में दक्षिण भारत की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि, इन भाषा परिवार के अंतर्गत ही है। तो इसको, इस भाषा को इस भाषा परिवार में रखने का मकसद या कारण हो सकता है कि इन भाषाओं में उच्चारण में
में, शब्द संरचना में, या कहीं ना कहीं से इनमें समरूपता पाई जाती है। इन्हीं समरूपता के कारण ही कुड़ुक जनजाति कुड़ुक भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और चौथा है सॉरी चौथा नहीं तीसरा है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में झारखंड में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं हैं, संपर्क भाषाएं हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती हैं। नागपुरी भाषा है जो आर्य भाषा परिवार में आता है। नागपुरी भाषा को प्रयाग, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस भाषा को कोई भी समाज के लोग हो या जाति के लोग हो, सब इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुर्माली है। कुर्माली भाषा आपका सिल्ली, बुंडू, तमाड़ उन क्षेत्रों में बोली जाती है। और खोरठा, खोरठा है हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, डाल्टनगंज जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। और पंच परगनिया है, पंच परगनिया भी बुंडू, तमाड़, जमशेदपुर उस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमने देखा कि जो झारखंडी भाषाएं हैं, नौ भाषाओं का जो समूह है, उन भाषाओं को तीन भाषा परिवारों में बांटा गया है। और ये भाषाएं अपने ही जगह में अपना अलग अलग महत्व और एक विशेषता रखती हैं। आजकल इन भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई होती है, इंटरमीडिएट में भी इसकी पढ़ाई होती है, यूजी में इसकी पढ़ाई होती है, पीजी में इसकी पढ़ाई होती है। पीजी में नौ भाषाओं की पढ़ाई एक जगह होती है जो टीआरएल मोराबादी रांची में होती है। और इन नौ विषयों की पढ़ाई एक जगह होती है और इन विषयों पर आजकल पीएचडी भी किए जा रहे हैं। तो इन भाषाओं का बहुत ही महत्व है। आज हम इन भाषाओं के विभाजन पर, इन भाषाओं के परिवार के वर्गीकरण पर इतना ही चर्चा करेंगे। अन्य विषयों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।